कोरोना को लेकर मनपा की ओर से स्वच्छता पर जोर जरूर दिया जा रहा है, लेकिन आए दिन शहर के पुतले अस्वच्छता की चपेट में हैं। स्वच्छता की बात करने वाले मनपा प्रशासन का इस ओर कतई ध्यान नहीं है। नागपुर की पहचान पुतले के शहर के नाम से होती है, ये काफी अच्छी बात है। इस शहर के पुतलों की साफ सफाई मनपा द्वारा करने का प्रावधान है, लेकिन मनपा का इस ओर कतई ध्यान नहीं है। नागपुर के जाट तरोड़ी परिसर में संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनका पुतला है। जब जब भी जयंती या महापरिनिर्वाण दिन मनाया जाता है, लोग आम्बेडकर की प्रतिमा के गले में माल्यार्पण कर अभिवादन करते हैं और वहां से चले जाते हैं। पहनाई गई वही फूलों की माला पूरी तरह से अस्वच्छता के चपेट में आ जाती है। सूखे फूलों की माला कई महीनों से ज्यों की त्यों रहती है। ऐसे में मनपा प्रशासन या फिर परिसर की संस्था के लोग इसे अनदेखा करते हैं। एनबीसीएन की टीम ने जब इस ओर परिसर के लोगों का ध्यान आकर्षित किया, तो वहां कुछ लोगों ने प्रतिमा में चढ़ाई गई गंदी अवस्था में पड़ी माला को निकाल दिया। यहां बाबा साहब का पुतला है और यहां पे हर 14 अप्रैल को मालाएं पहनाई जाती है, लेकिन बहुत दिनों से यहां पे महानगर पालिका की तरफ से जो पुतले की साफ सफाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, इसके वजह से बाबा साहब का जो पुतला है पूरा धूल से सना हुआ है। इसलिए मैं महानगर पालिका से गुजारिश करूंगा कि वो कम से कम एक महीने में वो कम से कम आके वो पुतले को थोड़ा सा साफ सफाई करें। बहुत सारे मालाएं पहनाई जाती बाबा साहब के पुतले के ऊपर, लेकिन कभी कभी ध्यान नहीं जाता और वो जो माला है सूखी रहती है और निकाल नहीं पाते। तो अभी मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि जो भी माला पहनाते हैं उन्होंने कम से कम वो माला को बहुत ज़्यादा दिन उसको रहने ना दिए और वो निकालने की कोशिश करें। ये माला निकाली गई है तो सही है, मगर यहाँ पर मंडलों का भी उतना ही कर्तव्य है, उसी प्रकार शासनों का भी उतना ही कर्तव्य है। शासन ने कम से कम हफ्ते में दो बार तो भी पुतले की धुलाई करना चाहिए। और ये जहाँ जो दिख रहे सूखे उखे यहाँ पे भी इन्हें सौंदर्यकरण को अपना जो शासन जो पैसा लगाती वो जाता कहाँ है। मैं ये कहना चाहता हूँ नागपुर के अंदर में जितने भी पुतले बाबा साहब का इनमें तो हजर भी हो, सभी की व्यवस्था महाराष्ट्र शासन ने महानगर पालिका ने ये करना चाहिए ताकि दूसरों को किचन उचलने का मौका ना मिले। आज हम आपको स्वच्छ नागपुर सुंदर नागपुर के एक ऐसी तस्वीर बताने जा रहे हैं जो सही मायने में स्वच्छ सुंदर है नहीं। आए दिन नागपुर शहर की पहचान अलग अलग विशेषताओं से होती है और एक विशेषता है कि नागपुर शहर की पहचान पुतलों से होती है, मगर आए दिन नागपुर शहर के जो पुतले हैं उनकी इतनी लचर हालत खराब हुई है कि हम इसके बारे में आपको सीधा लेके चलते और बताते हैं। इस समय में हम जाट तरोड़ी के उस चौक में जहाँ पे भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर इनका ये पुतला है और इस पुतले में जो आप हार जो फूलों की माला जो पहनाई गई है कुछ महीनों पहले वो पूरी सड़ और गल चुकी है, काफी लचर हालत है। इस ओर ना यहाँ की किसी मंडल का ध्यान है, जब भी कुछ ऐसा प्रोग्राम होता है तो मालाएं जरूर पहनाई जाती है मगर निकालने का नाम कतई लेते नहीं है। ऐसे में बाबा साहब अंबेडकर के गले में ये जो हार जो दिखाई दे रहा है पूरी तरह से गल चुका है, बहुत ही विचित्र तरीके से दिख रहा है। ये एक तोहिन नहीं तो इसे क्या कहना चाहेंगे। यहाँ की जो एक मंडल है मंडल वालों का भी ध्यान नहीं है, इतने नहीं तो महानगर पालिका के और से इसका रख रखाव करने की जो एक जिम्मेदारी होती है वो भी उन्होंने अब तक किया नहीं है, जिसके चलते अब बदहाली हुई है आप देख सकते हैं। और इतने बड़े महामानव का यदि इस प्रकार की ये तोहिन हो रही है तो लोग क्या कर रहे हैं? क्या नागपुर महानगर पालिका का जो फायर स्टेशन है उनका ध्यान नहीं है? हर माह में एक या दो बार आके पुतलों की स्वच्छता करना चाहिए, पानी से धोना चाहिए, फूलों की माला जरूर पहना है, सिर्फ 14 अप्रैल या अक्टूबर को पहना ऐसे नहीं होगा। बाबा साहब के कोई त्यौहार आता तब से माला न पहना है, माला पहनाना चाहिए, मगर माला अगर खराब होती है फूलों की माला जो सड़ जाती है गल जाती है तब की वो गले में रहती है। ऐसे में देखने के लिए हमारे नागपुर शहर का ये बड़ा जो चित्र है बड़ा विचित्र दिखता है, इस ओर सबने ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द महानगर पालिका प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। मुंडे साहब कमिश्नर अभी आए हैं, इन्होंने भी ध्यान देना चाहिए और देखना हम
आपको इसी माध्यम से बताना चाहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर की ये पुतली की जो एक लचर हालत, जो एक व्यवस्था जो हो गई है, वो काफ़ी देखना नहीं हो रहा। ऐसे में ध्यान दे, यहाँ के जो मंडल है उनके कार्यकर्ताओं ने ध्यान दे और मनपा प्रशासन ने ध्यान दे और बाबा साहब अम्बेडकर जो भारतीय संविधान के रचयिता, इनकी पुतली की साफ सफाई जल्द से जल्द करे और ये जो सड़े जो गले जो हार है उसको निकाल के नए फूलों की माला पहनाए, तभी हम कहेंगे कि सही मायने में इस देश यानी नागपुर शहर और भारत देश स्वच्छ और सुंदर की ओर अग्रसर हो रहा है। नागपुर के जाटर रोड से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे, इंडिया न्यूज नागपुर।